हे गाइस व्हाट्स अप। एंड अभी बहुत इंपॉर्टेंट बहुत खतरनाक खबर जो है पूरे इंटरनेट पर फैली हुई है। आपको ही मालूम चली हुई कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर जो है वो रिटर्न आने वाले हैं। एंड इस चीज की कंफर्मेशन करी है एक इंडस्ट्री इंसाइडर ने। यानी कि इंडस्ट्री इंसाइडर क्या होता है, जो बंदे जो है उनको इंडस्ट्री के अंदर क्या चल रहा है उसके अंदर वो काम करते हैं और वहां से उनको जो डिटेल मिलती है वो लोग जो है यहाँ पे इंटरनेट पर ऑनलाइन बताते हैं। तो ट्विटर पर एक ऐसा ही इंडस्ट्री इंसाइडर है जिसने अभी ये बताया है कि RDJ का रिटर्न के बारे में, कि वो आर्मी वॉर्स और सीक्रेट वॉर्स में रिटर्न आने वाले हैं। एंड इसके ऊपर आओ हम थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। वीडियो छोटा होगा लेकिन एकदम शॉर्ट में बात करेंगे। एंड दूसरी बात, जो ये लोग बोल रहे हैं कि आयरन मैन के ऊपर तुम कितनी वीडियोस बनाओगे, भैया अगर कोई खबर आएगी, मेरा चैनल जो है आपको पता है थियरीज और न्यूज का चैनल है, तो थियरीज और न्यूज कहां से आती है? थियरीज में अगर बनाएंगे तो कुछ कुछ खबरें आई होंगी, तभी ना उससे थियरीज न्यूज बनती है। तो अगर कुछ नई खबर आएगी आयरन मैन से रिलेटेड तो मैं बनाऊंगा ही ना, ऑफकोर्स ही बात है। इसमें कौन सी दो राय है, बाहर के सारे यूट्यूबर्स बनाते हैं, इंडिया में भी बहुत सारे लोग बनाते हैं। आप सोचते हो कि जो बड़े यूट्यूबर्स वो नहीं बनाते हैं, क्योंकि उनका कॉन्टेंट थोड़ा डिफरेंट है। मेरा काम है न्यूज देना और थियरी देना, मैं तो बनाऊंगा भाई। अगर आपको मन नहीं है देखने का तो आप नहीं भी देख सकते, तो आपकी इच्छा है। चलो खैर बात करते हैं। तो यहां पे एक इंडस्ट्री इंसाइडर ने ये बोला है कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर, जिसके बारे में बहुत पहले से रिटर्न में बात चल रही थी, आपको पता है मैंने लास्ट वीडियो 4-5 दिन पहले बनाया था कि आयरन मैन के रिटर्न के बारे में उस मूवी के ही किसी बंदे ने बात बोली थी कि आर्मर वॉर सीरीज को जो है वो एक्चुअल में एक मूवी में क्यों बदला गया है, क्योंकि जो उसकी स्टोरी लाइन है वो एक सीरीज के लिए बहुत छोटी पड़ जा रही थी। आई मीन इतनी बड़ी स्टोरी को आप दिखा रहे हो और वो एक सिर्फ सीरीज में आएगी तो वो इंपैक्ट नहीं पड़ेगा जितना इंपैक्ट आप थिएटर में देखने में करोगे। और अगर उनको जो है यहां पे कुछ और करना होता तो वो लोग इसको सीरीज में दिखा देते। लेकिन यहां पे बहुत सारे चांसेस उस बात से ये लग रहे थे कि आयरन मैन के आने के, क्योंकि RDJ का अगर वो लोग रिटर्न कराते हैं या सिर्फ वॉइस में या सिर्फ AI में भी दिखाते हैं तो वो एक थिएटर में दिखाना चाहिए ताकि जो है ज्यादा से ज्यादा लोग जाएं और बॉक्स ऑफिस में अच्छा खासा कलेक्शन हो पाए। क्योंकि आपको पता है कि आयरन मैन की जो है वो डेथ का इंपैक्ट कितना ज्यादा था। अब देखो अगर यहां पे आयरन मैन को जो है वो फ्यूचर में ये लोग दिखाने वाले हैं, यानी कि आर्मर वॉर्स में सिर्फ ये लोग टीज करेंगे, उसमें हो सकता है उसके AI को इंट्रोड्यूस कर दें या फिर कुछ छोटा सा, लेकिन सीक्रेट वॉर्स में आप 200% ये लिख के ले लो कि वो रिटर्न आने वाले हैं। एंड उस इंडस्ट्री इंसाइडर ने भी यही बात बोली है कि सीक्रेट वॉर्स के लिए RDJ से जो है वो बात चल रही है और एक्चुअल में वो हमें देखने को मिलने वाले हैं। और RDJ सिर्फ एक RDJ नहीं, RDJ दुनिया में एक ही है, एक RDJ नहीं लेकिन RDJ के और आयरन मैन के अलग अलग वेरिएंट्स देखने को मिलने वाले हैं। तो बहुत ज्यादा चांसेस ये हैं कि हमें सुपीरियर आयरन मैन भी जल्दी देखने को मिलेगा, क्योंकि इसकी खबर बहुत ज्यादा पक्की थी। और आपको पता है कि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में ही हमें सुपीरियर आयरन मैन देखने को मिलने वाला था, लेकिन उसमें चेंजेस इस वजह से किए गए क्योंकि टॉम क्रूज जो है वो अपनी दूसरी मूवीज के ऊपर काम कर रहे थे, वो फ्री नहीं थे। लेकिन सीक्रेट वॉर्स ऐसे इवेंट के लिए बहुत पहले बात उनसे हो चुकी है और सीक्रेट वॉर्स में हमें टॉम क्रूज भी देखने को मिल सकता है। खैर टॉम क्रूज से हट के यहां पे हमें और आयरन मैन के वेरिएंट्स देखने को मिलने वाले हैं, तो अलग अलग एक्टर्स देखने को मिल सकते हैं एंड सेम एक्टर यानी कि RDJ के ही एक से ज्यादा वेरिएंट हमें देखने को मिल सकते हैं। अब जो MCU में आयरन मैन मर गया वो रिटर्न नहीं होने वाला, ये 100% लिख के ले लो आप, लेकिन जो दूसरे यूनिवर्स का आयरन मैन है वो एटलीस्ट सीक्रेट वॉर्स मूवी के लिए हमें देखने को जरूर मिलेगा। एंड MCU के अंदर में आपको पता ही है कि आयरन मैन की कितनी ज्यादा हाइप है। अब देखो अवतार द वे ऑफ वाटर जो है उसके लिए इतना लोगों ने वेट किया, फिर भी वो मूवी जो है वो एंड गेम्स के कलेक्शन को नहीं पूरा कर पा रही है। तो सोचो इतनी बड़ी मूवी, इतनी बढ़िया मूवी भी एंड गेम के नियर नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि एंड गेम में आयरन मैन था और उसकी डेथ हुई थी, इस वजह से उस मूवी ने इतना ज्यादा कलेक्शन किया था। तो आप सोचो सीक्रेट वॉर्स को कितने भयंकर तरीके से सेटअप किया जा रहा है, पिछले 3 साल से सेटअप किया जा रहा है और अब आने वाली एंड मैन द वॉर्स क्वांटम मेनिया में और अच्छे सेटअप किया जाएगा। तो अगर सीक्रेट वॉर्स मूवी के अंदर में आयरन मैन आ जाता है तो सोच लो कि एंड गेम का भी कलेक्शन फेल हो जाएगा, एंड गेम से भी ज्यादा कलेक्शन वो मूवी कर लेगी। इसी वजह से आर्मर वॉर्स की सीरीज के अंदर में हमें सिर्फ छोटा सा टीज दिया जाएगा RDJ के रिटर्न का, उसकी उनकी आवाज को लाया जाएगा एंड उसके बाद से फाइनली सीक्रेट वॉर्स में लाया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि जो वेरिएंट्स हमें सीक्रेट वॉर्स में देखने को मिलेंगे वो कौन से होंगे। तो व्हाट इफ के आपने एक एपिसोड में देखा होगा हमें आयरन मैन का एक वेरिएंट दिखाया गया था जो कि शायद गमूरा के साथ मिलकर जो है वो थानोस से फाइट करने गया था और वो जो है नेडवलियर वो लोग गए थे, आपको वो सीन अगर याद होगा। तो व्हाट इफ के season 2 में भी बहुत ज्यादा चांसेस ये हैं कि आयरन मैन का हमें देखने को मिलने वाला है एंड एक पूरा एपिसोड ही होगा आयरन मैन के कैरेक्टर के ऊपर। तो जो वेरिएंट हमें वहां पे देखने को मिलेगा व्हाट इफ के season 2 में, वही सेम वेरिएंट जो है वो सीक्रेट वॉर्स के अंदर में 100% चांसेस हैं कि वही रिटर्न आएगा। एंड उसके अलावा सुपीरियर आयरन मैन तो है ही, अगर टॉम क्रूज के लोग नहीं लाते हैं तो RDJ को ये लोग लाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि MCU ऐसा क्यों करेगा, तो मैंने बता दिया पैसों का बात है। सीक्रेट वॉर्स को मालूम है कि कम कलेक्शन नहीं करने वाली है, तो आयरन मैन को अगर RDJ के वो लोग $250 million भी दे देते हैं दोबारा से तो भी उनके लिए सब कुछ प्रॉफिटेबल ही होगा। तो मेरे हिसाब से 100% जो इंडस्ट्री इंसाइडर ने अभी कंफर्मेशन दी है कि RDJ रिटर्न आ रहे हैं, तो इसको आप 200% लिख के ले लो कि RDJ कैरेक्टर कैंग डायनेस्टी में नहीं लेकिन सीक्रेट वॉर्स में जरूर आने वाला है, जो कि 2026 में रिलीज होगी या 27 में जब भी होगी। तो मेरे हिसाब से गाइस आज का वीडियो इतना ही था, छोटे वीडियो मैंने बताया, और ये बोलना बंद करो कि
आयरनमैन के ऊपर कितने वीडियोस बनाएगा। मैं जो है जब भी खबर आएगी आयरनमैन के ऊपर मैं तो भाई वीडियो बनाने वाला हूँ। चलो गाइज बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, और एक्सपोज लीक्स वाला मेरा चैनल जो है जाकर फॉलो कर लेना, उस पर 800 सब्सक्राइबर्स आई मीन फॉलोवर्स जो भी बोलते हैं वो हो गए हैं, तो टेलीग्राम के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है वो जाकर फॉलो कर लो। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तो अगले सी या बाय। IIT बॉम्बे के केंद्रीय विद्यालय के बच्चों को शिक्षक के रूप में एक रोबोट टीचर महिला जो है वो पढ़ा रही हैं। इस महिला रोबोट टीचर का नाम जो है वो मैडम शालू है, और हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से वो इस वक्त 9वीं कक्षा के बच्चों को कंप्यूटर का सब्जेक्ट पढ़ा रही हैं। अच्छा ये बताइए कि हमारे भारत की राजधानी क्या है? माफ करना, मैं नहीं जानता।